Hey, what's up guys? Welcome back to another video guys. So guys, मैं अपनी Instagram की पोस्ट का ट्यूटोरियल आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एंड गाइज ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को. लेट्स डू इट. सो गाइज सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप से पोज देते हुए एक वॉल के पास खड़े होकर फोटो को क्लिक कराना है. चाहे आप अपने मोबाइल से क्लिक कराएं या फिर आप अपने कैमरा से क्लिक कराएं, बट आपको एक सिंपल वॉल के पास जिसका कलर सिंपल हो एंड उसके पास पास आपको अपने फोटो को क्लिक करा लेना है, ठीक है. एंड पोज आप इस टाइप का रख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं ओपन हूँ अभी अपनी गैलरी में. यहाँ से मैं क्लिक करूँगा शेयर वाले आइकन में एंड शेयर वाले आइकन में क्लिक करने के बाद गाइज मैं चलूँगा पिक्सी प्रो एप्लीकेशन के अंदर. एंड ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके रखी ली होगी, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर लेना. यहां से आपको मैक्सिमम साइज चूज करना है. मैक्सिमम साइज चूज करने के बाद आपका फोटो जो है ओपन हो जाएगा. यहाँ पर आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है. सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेंट मास्क सिलेक्शन का. इस ऑप्शन में बस आपको सिंपली से टैप करना है. टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा. ऊपर ये है ब्रश एंड ये है इरेजर. तो ब्रश पर क्लिक करके आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ क्रिएट करना है शेडो टाइप. तो यहाँ पे मैं अपने इमेज को जूम करूँगा एंड कुछ इस टाइप से. एंड अगर आपका थोड़ा पतला ब्रश हो तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम साइज़ को. एंड इस टाइप से मैं यहाँ पर शेडो क्रिएट करूँगा, ठीक है. तो यहाँ पर मैं 3 स्टेप में इस टाइप की शेडो को बस क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक. यहाँ से क्रिएट होने के बाद अब आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ये जो सेकेंड ऑप्शन है इनवर्ट सिलेक्शन का, इस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है. यहाँ पर जैसे ही आप टैप करोगे तो ये आपका इनवर्ट सिलेक्शन हो जाएगा. यहाँ तक आपका डन हो गया. अब आपको चलना है एरो वाले आइकन में एंड सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है. अब आपको मिलेंगी 3 डॉट्स, इस पर आप जाकर एक्सपोजर को सिलेक्ट कर लीजिए एंड इस पॉइंट को ले चलिए माइनस की साइड एंड इसके बाद आप कर दीजिए यहाँ से डन. डन करने के बाद हम लोग फिर से चलेंगे एडजस्ट ऑप्शन में एंड यहाँ से पेंट मास्क सिलेक्शन में एंड जो अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो सब कुछ सिलेक्ट है वैसे ही. तो हम एक बार फिर से एरो पर टैप करेंगे, एक्सपोजर पे टैप करेंगे एंड यहाँ से 3 डॉट्स एंड एक्सपोजर को सिलेक्ट एंड एक बार फिर से हम माइनस पॉइंट को माइनस की साइड कर देंगे. एंड करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो है शेडो क्रिएट हो चुकी है बहुत ही परफेक्टली. बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस इमेज को कर लेना है सेव. तो सेव पिक्चर टू एल्बम एंड पिक्सी प्रो एंड यहाँ से हमारा ये इमेज हो चुका है सेव. एंड अब हम चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड वहाँ पर हम कर देंगे इस फोटो को रिटच. सो गाइज मैंने अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में यहाँ पर ओपन कर लिया है. तो सबसे पहले मैं चलूँगा क्रॉप वाले ऑप्शन में. यहाँ से मैं अपने फोटो को जो है क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि मैंने जो इंस्टाग्राम पर डाला था वो पोर्ट्रेट शॉट में डाला था. तो इस स्टेप से बस मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ. सबसे पहले अब आपको चलना है थर्मामीटर वाले आइकन में. यहाँ से आपको टेम्परेचर को 6% बढ़ा देना है. इसके बाद मिक्स टूल में चलना है. ऑरेंज टोन में जाकर इसकी सेचुरेशन हल्की सी माइनस करनी है. ब्लू टोन की सेचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देनी है एंड यहाँ से येलो टोन की आपको सेचुरेशन हल्की सी बढ़ा देनी है एंड यहाँ से कर देना है डन. डन करने के बाद आपको चलना है इफेक्ट ऑप्शन में एंड यहाँ से स्प्लिट टोन में आने के बाद सबसे पहले आपको हाईलाइट में येलोइश टोन डालनी है क्योंकि जो हमारी धूप जो आएगी वो थोड़ी सी येलोइश होगी. तो इसलिए हम इस टाइप से इस टोन को डाल देते हैं. एंड आपको जो शेडोज़ है इसमें भी आप हल्की सी रेडनेस डाल दीजिए. इसके बाद यहाँ से आप लोग कर दीजिए डन. डन करने के बाद यहाँ से आप अपने फोटो की डिटेलिंग कर सकते हैं. शार्पनिंग वगैरह ओपन कर दीजिए, डिटेल ओपन कर दीजिए एंड इसके बाद आप अपने फोटो में और भी अच्छा एक क्रिस्प लुक ला सकते हैं. एंड इसके बाद यहाँ से आपको ये करने के बाद अब आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर. आफ्टर हमारा एकदम सनशाइन वाला लुक आ चुका है एंड हमारा फोटो टोटली ऐसा लग रहा है कि एकदम रियलिस्टिक तरीके से क्लिक हुआ होगा लेकिन नहीं हुआ था. तो गाइज आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.